हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास होती है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली कराते थे। लेकिन अभी जो आपके दिन चल रहे हैं, ये जो दिन चल रहे हैं आपके, बहुत इम्पॉर्टेंट वाले दिन हैं, क्योंकि इसमें हम वो टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए कि आपके ये जो दिन चल रहे हैं, डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल रहा है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। इसलिए जो क्लासें चल रही हैं, इनको बिल्कुल से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसके पहले भी काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे जितने भी आपको क्लासें मिल रही हैं, जितनी भी लाइनें आपको मिल रही हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% वार करने वाली हैं। और एक चीज़ बोलेंगे कि जिसको अपने एग्ज़ाम में से, मतलब जिसको अपने एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मोह ना हो, वो बिल्कुल क्लास ना देखे, क्योंकि ये क्लास उन्हीं के लिए है जिनको 100% सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो पुराने बच्चे हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है आपका प्रमुख कला केंद्र पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपके प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र पढ़ने हैं, ठीक है। आज हम इस क्लास में 2 टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, पूरी गारंटी है। तो प्रमुख कला केंद्र पढ़ने हैं हमें और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, अब सभी लोग रेडी हो जाइए, बिल्कुल से दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए और सीधे अपने पढ़ने पर आइए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें भारत में प्रमुख जो सांस्कृतिक केंद्र हैं आपके, इनको हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पहले? भारत में प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र जो हैं, जितने भी हैं, हम सीक्वेंस से, लाइन से, आराम से एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है आपका, देखिए, पहला दे रहा है और दूसरा दे रहा है। तो पहला कौन सा दे रहा है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, कैसे क्वेश्चन बनेगा? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका इलाहाबाद। तो आपका आंसर क्या सही होगा? इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर आपसे पूछेगा पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा ये कलकत्ता में है और नाम क्या है आपका? शांति निकेतन, ठीक है। सभी लोग फटाफट से कमेंट में छापेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगर पूछता है आपसे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, आंसर जाएगा आपका इलाहाबाद की तरफ। अगर उसने पूछा पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर जाएगा कलकत्ता शांति निकेतन की तरफ, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके सामने उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर पश्चिम बोलेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, उत्तर मध्य बोल देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। और यहां क्या बोला है? उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो यह है आपका नागालैंड में। कहां पर है ये? आपका नागालैंड में है, याद रखना है। ये सब कुछ नहीं याद रखना, कितना याद रखिए कि नागालैंड में है, ठीक है। आगे आगे दे रहा है उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र कहां है। उत्तर की बात हो रही है तो कहां है आपका? पंजाब में है, जो कि पटियाला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा जाएगा दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है। कहां पर है? तो आपको याद रखना होगा ये आपके तमिलनाडु में है, जो कि तंजावुर में। कहां पर है आपका? तमिलनाडु तंजावुर में है, याद रखना है अगर दक्षिणी पूछा जाए।
अगर उसने दक्षिण मध्य पूछ दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, ये है आपका नागपुर महाराष्ट्र में। एक बार फास्ट वे में अभी रिवीजन भी करवा देते हैं आपका, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दे रहा है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है। थोड़े से में आंसर चेंज हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप आंसर क्या लगा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल से रट लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। जो बच्चों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, जो बच्चे पुराने होंगे, जिन्हें मतलब आर्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी आपके सिलेबस के अनुसार, तो वो समझ रहे होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है आपका? उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है आपका? उदयपुर राजस्थान में। तो चलिए यहाँ से आपके जो सांस्कृतिक केंद्र थे प्रमुख, वो हमने निपटा लिए। चलिए एक बार फिर से फास्ट वे में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग नंबर वन के भुलक्कड़ हैं, इसलिए रिवीजन ना करवाएं तो आलस कर जाते हैं। क्या दे रहा है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र? बोलेगा आंसर जाएगा आपका इलाहाबाद की तरफ। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन में है। कहाँ? कलकत्ता में, कोलकाता में। आगे बोल रहा है उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है आपका? दीमापुर नागालैंड में। उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में है। आगे दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। एंड लास्ट क्या है आपका? लास्ट है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये है आपका उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ से आपके सांस्कृतिक केंद्र सात थे, हमने आपको बिल्कुल से रटवा दिए हैं। उम्मीद है दोबारा में आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने दो टॉपिक लिए हैं आज, पहला है सांस्कृतिक केंद्र, दूसरा है कुछ प्रमुख जो कला केंद्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जामों में, उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है, पहला दे रहा है आपका, बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ये कहाँ पर है? तो आंसर जाएगा आपका नई दिल्ली में है। स्थापना की बात की जाए कब होती है, तो कब होती है 1954 में होती है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, स्थापना कब होती है 1954 में होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सांस्कृतिक संशोधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे आगे पूछा जा रहा है आपसे साहित्य कला अकादमी कहाँ पर है, आंसर जाएगा आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है 1954 में होती है। कब होती है 1954 में होती है। तो साहित्य कला अकादमी नई दिल्ली में है और स्थापना है आपका 1954। फिर पूछेगा संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है 1953 में होती है। कब होती है 1953 में होती है। किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे आगे है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका नई दिल्ली में है। अरे कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? तो 1959 में। तो ये जो पांच हमने बताए ना, इसको बिल्कुल से रट लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं, पांच में से एक ना एक आपको मिलेगा। और ऊपर जो हमने सात या आठ बताए उनमें से आपको एक ना एक एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ये थी जो आपकी आज हमने पढ़ाया है आपको, ये जो आज हमने आपको पढ़ाया है ना, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में 1954 में। संसाधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। साहित्य कला अकादमी नई दिल्ली में है, 1954 में होता है स्थापित। 1953 में नई दिल्ली में किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की। एंड लास्ट है आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 में, ठीक है। तो हमने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिल्कुल लास्ट तक देखना है और दो से तीन बार इसको
रिवाइज कर लीजिएगा या फिर नोट्स बना सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताया करिए आप लोग कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। थोड़ा सा बेनिफिट बताया करिए कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है क्लास से कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो क्लास बंद कर दी जाएगी, ठीक है। जिसमें आपको फ़ायदा समझ में आए उसी में हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, चलिए।